सबसे पहले बेटा हमें क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है, तो हम पढ़ेंगे बेटा। देखो इसमें क्या हुआ, जोसेफ जोसेफ 60 सेकंड में 150 मीटर तैर सकता है। देखो एक नदी है, ये वाली नदी है, देखो ये वाली नदी है, ठीक है। यहाँ एक जोसेफ नाम का लड़का है ये, ठीक है, ऐसे करके खड़ा है यहाँ, ठीक है। ये 60 सेकंड में, 60 सेकंड में, 60 सेकंड का मतलब होता है 1 मिनट, 60 सेकंड में यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक की कितनी है, 150 मीटर है ये दूरी, यहाँ तक तैर सकता है। क्या कर सकता है, स्विमिंग कर सकता है, तैर सकता है। तो उसकी गति, गति किसको बोलते हैं, चाल को बोलते हैं। तो चाल का फॉर्मूला क्या होता है बताइए बच्चों, चाल बराबर होता है दूरी, दूरी बट्टे क्या होता है बेटा, समय, दूरी बट्टे समय, ठीक है। जो भी बच्चों को ये फॉर्मूला पता है बस उन्हीं का तो क्वेश्चन हो चुका, ठीक है। दूरी, चाल बराबर दूरी बट्टे समय। देखो उसकी दूरी जो है किलोमीटर प्रति घंटा में बतानी है, किसमें, किलोमीटर प्रति घंटा में बतानी है। तो देखो दूरी कितनी है, तो दूरी आप सबको पता है 150 मीटर, जो भी मीटर में किलोमीटर में दी होती है वो दूरी दी होती है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 150, ठीक है, मीटर में है। अभी हमें किस में चेंज करनी है, किलोमीटर में, बट्टे समय, समय कितना है 60 सेकंड है, तो हमने नीचे 60 लिखना है, 60 सेकंड। अब इसको इसको काटेंगे, इसको 3 से काटेंगे 5 बार, इसको 3 से काटेंगे 2 बार, तो ये बचा हमारा कितना, 5/2 मीटर पर सेकंड है, मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब हम इसको किलोमीटर में चेंज करेंगे, किलोमीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 18/5 का गुणा करते हैं। क्या करते हैं, 18/5 से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो हम 18/5 का गुणा कर देंगे, देखो 5/2 में, तो यहाँ पे लगे हैं 5/2 गुणा 18/5। अब 5 से 5 को काट देंगे, 2 से 18 को काटेंगे, कितनी बार, 9 किलोमीटर प्रति आवर्स, 9 किलोमीटर प्रति आवर, यही तो हमारा आंसर है। कहाँ, ये है ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब आपको ये क्वेश्चन समझ में आया तो अभी वीडियो को लाइक कर दो, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर दूसरा, इसमें क्या बोला उसने, देखो इस वाले में क्वेश्चन में देखेंगे, देखो उसने क्या बोला है, 2000 की जमा राशि राशि पर 5 वर्ष बाद एक बैंक 3000 वापस करता है। तो देखो 2000 रुपए क्या था, मूलधन, तो यहाँ पे लिखेंगे मूलधन, मूलधन, मूलधन कितना था, 2000 रुपए था, ठीक है। और देखो वर्ष, समय, समय यहाँ पे लिखेंगे, समय कितना था, एक ही फॉर्मूला याद रखना है, समय कितना था, 5 वर्ष थे, 5 वर्ष, ठीक है। अब आप लोग बोल रहे होंगे दर कितनी है, तो दर ही तो हमें ज्ञात करनी है, या रेट हमें ज्ञात करनी है, हमें पता नहीं है कितनी, ठीक है, यही हमें ज्ञात करनी है। अब साधारण, साधारण ब्याज कितनी है, साधारण ब्याज देखो 2000 रुपए तो थे, हमने 3000 वापस किए, तो हम क्या करेंगे, 2000, देखो यहाँ पे लिखता हूँ 2000, ठीक है, 3000 में से देखो 3000 वापस किए थे और 2000 रुपए थे उसके पास, तो 1000 बचा। 1000 क्या थी हमारी, साधारण ब्याज थी, साधारण ब्याज 2000 रुपए पे हमने 1000 साधारण ब्याज हो गई, और हमें रेट ज्ञात करनी है, तो हमारी साधारण ब्याज कितनी है, 1000 रुपए, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 1000 रुपये लिखना है। अब देखो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, मूल, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, साधारण, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज बराबर फॉर्मूला क्या होता है बेटा, मूलधन, मूलधन, एक ही फॉर्मूला याद रखना, ठीक है, एक ही, यही साधारण ब्याज का फॉर्मूला याद रखना, एक ही फॉर्मूले से पूरी की पूरी खत्म करा दूंगा, मूलधन गुणा दर गुणा समय, ठीक है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बेटा बट्टे में क्या होता है, 100 होता है, ठीक है। अब साधारण ब्याज हमें पता चल गई कि हमारी 1000 रुपये है, तो हमें यहाँ पे 1000 रुपये लिखना है, ठीक है। देखो डायरेक्टली आंसर आएगा मूलधन, अब हमें पता चल गया कि हमारे पास 2000 रुपये मूलधन था, और दर बेटा हमें रेट ज्ञात करनी है, तो रेट की रेट लिखो, तो समय 5 वर्ष है, बट्टे में कितना लिखना है, 100 लिखना है, ठीक है, 100 लिखना है, ये 1000 नहीं है। एक मैं काटता हूँ इसमें से, इस वाले को, 1 0 को काटता हूँ, 100 100 आते हैं ना बट्टे में, 100 आते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 100 लिखेंगे। अब देखो 1 2, इस वाली 2 0 से ये 2 0 कट गई। अब देखो आमने सामने बराबर के आमने सामने कट जाती है, इस वाली 0 से ये वाली 0 कट गई, 2 से इसमें देंगे भाग, 2 से इसमें भाग देंगे 100 में, तो 50 बार जाएगा, और 5 से भाग देंगे 50 में, तो 10 बार जाएगा, यानी कि R बराबर कितना निकला, 10%, 10%, 10% आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये है 10%। उसने क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर तीसरा है जी, एक आयत का परिमाप 40 सेंटीमीटर है। देखो परिमाप, आयत का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता, आयत का परिमाप, परिमाप, आयत का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 2 और कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई, यही तो फॉर्मूला होता है। अब देखो आयत का परिमाप कितना दिया है, 40 सेंटीमीटर दिया है, तो हमें यहाँ पे लिखना है 40 सेंटीमीटर बराबर के 2 कोष्टक में लंबाई प्लस
चौड़ाई। ठीक है, अब देखो बराबर में कट जाती है, 2 से इसको काटेंगे, 2 से इसको काटेंगे, कितनी बार कटेगा, 20 बराबर, 20 बराबर के लंबाई प्लस चौड़ाई। अब देखो हमारी लंबाई और चौड़ाई जोड़ने के बाद 20 होनी चाहिए। अब देखो 4 और 10 को जोड़ेंगे तो 20 बन रहा है, नहीं 14 बन रहा है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। 5 और 10 को जोड़ेंगे तो 20 बन रहा है, नहीं बन रहा, तो ये आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि हमें देखो ये बोला लंबाई और चौड़ाई कितनी होगी, अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारी 20 होनी चाहिए। अब 19 और 1 को जोड़ेंगे 20 है, 10 और 10 को जोड़ेंगे 20 है, लेकिन उसने क्या बोला है, यदि उसका क्षेत्रफल अधिकतम हो। अब क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। अब देखो लंबाई मान लो हमने 1 मान ली और चौड़ाई हमने 19 मान ली, तो 1 गुणा 19 करेंगे तो 19 आएगा। और मान लो अगर हमने लंबाई 10 मान ली और चौड़ाई भी 10 मान ली, तो 10 का गुणा 10 में करेंगे तो कितना आएगा, 100 आएगा। तो हमने देखो अधिकतम बोला है, अधिकतम, अधिकतम कौन सा है, ये वाला अधिकतम है, तो यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो अगर हम इसको 10 और इसको 10 मान लेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, तो ये कितना हो गया, 20, 20 बराबर के 20, यही हमारा राइट आंसर हुआ। ठीक है,